घूंघट लेडीज से भी रखा जाता है। बहुत ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है एंड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सो ऐसे ही परवरिश हो जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसका आंसर लेने में भी जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है कि राजपूतों में सगाई नहीं होती क्या? खमा गनीसा, कैसे आप सभी लोग? मेरे चैनल पे आप लोगों का बहुत ज़्यादा वाला स्वागत है। सो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का वीडियो होगा क्यू एंड ए वीडियो विथ मेकअप, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है। अभी मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स के वीडियो देखे हैं जो क्यू एंड ए वीडियो कर रहे हैं, क्वेश्चन के आंसर कर रहे हैं, साथ में मेकअप कर रहे हैं। सो मैंने भी एक ऐसा ही वीडियो प्लान किया है। मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ के नीचे जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको मैंने लिख लिया है, एक साथ ले लिया है। ऐसा कोई स्पेसिफिक अलग से क्यू एंड ए वीडियो नहीं है, उन्हीं सारे क्वेश्चन के मैं आंसर करने वाली हूँ। ये सारे क्वेश्चन बार बार बहुत बार पूछे जाते हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। साथ ही मैं अपने मुंह पे मेकअप भी पोथूंगी, सो वो भी आप जरूर देखिएगा। अगर आप लोगों को ये नया सा कॉन्सेप्ट और मेरी मेहनत और ये चीज़ अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अपने जितने भी फ्रेंड्स एंड फैमिली है उनके साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको ये लगे कि मैं ढंग से नहीं दे पाई हूँ एंड उसका करेक्ट आंसर नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मुझे खुशी होगी, मेरा नॉलेज बढ़ेगा। सो दिस इज़ ए कम्प्लीटली फन वीडियो प्लस साथ में एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ राजस्थान है या राजस्थान के कल्चर से हैं और राजपूती कल्चर के बारे में उनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है, उन्हीं लोगों के ये कमेंट्स हैं। सो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का ये वीडियो है। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करने से पहले मैं बता दूं कि अपना फेस वॉश मैंने अच्छे से कर लिया है। मैं ये वाला सीरम अप्लाई करने वाली हूँ जो मैं बहुत दिनों से कर रही हूँ एंड ड्राई स्किन वालों के लिए बहुत अच्छा सीरम है। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं आती है और बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पानी लगा रहे हो ना अपने फेस पर, बिल्कुल वैसी फील आती है। तो ये लगाने के बाद हम अपने क्वेश्चन का स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि राजपूतों में बरी किसे कहते हैं? बरी जो बेसिकली होती है वो हमारे यहाँ कहते हैं शादी वाली जो ड्रेस होती है ना, पोशाक, जिसको नॉर्मली अदर कास्ट में लहंगा कहते हैं। जैसे शादी का लहंगा करवाया, शादी का लहंगा हो तो हमारे यहाँ उसको बरी कहा जाता है, उसको सम्मान दिया जाता है बरी बोलकर। बाकी ड्रेस को हम पोशाक भी बोल देते हैं, सूट भी बोल देते हैं, बट बरी जो होती है, ब्राइडल ड्रेस जो होती है उसको बरी कहा जाता है। फेरों की जो पोशाक होती है उसको बरी कहा जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे मैंने प्राइमर लगा लिया है, प्राइमर के बाद मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ फाउंडेशन, जो कि मेबलिन फिटमी का फाउंडेशन है और छोटी ट्यूब वाला है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो है कि राजपूती गहना एक हाथ में पहन सकते हैं क्या? हाँ जी, क्यों नहीं, एक हाथ में पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी तो आर्टिफिशियल आ गया, बट पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं हुआ करती थी तब एक हाथ का गहना ही डाला जाता था। दोनों हाथों में पहनते ना, बिल्कुल वैसे ही एक हाथ में भी आप पहन सकते हो। और फिर भी अगर आपको ओड लग रहा है कि नहीं मैं तो नहीं पहन सकती, शर्म आ रही है, जो भी है, तो आप आर्टिफिशियल भी ले सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो, आजकल तो बहुत सस्ती सस्ती रेंज में आती है। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पडला क्या होता है? मैं फाउंडेशन को सेट करूँगी डब डब करके। पडला जो होता है बेसिकली हम राजपूतों में लड़के वालों की तरफ से आता है। तो जो ब्राइडल होती है वो फेरों में अपने ससुराल का ही सामान पहनती है, जैसे बरी हो गया, हाथी दांत का चूड़ा हो गया, सिंदूर, मांग, ऐसी छोटी मोटी सारी चीज़ें जो होती है ब्राइडल की, वो सारी की सारी पडले में ससुराल से आती है। और फल फ्रूट और बाण जैसे काफ़ी सारे फैंसी आइटम जो आजकल चल गए हैं वो सब भी पडले में आते हैं। पडले का जो सबसे बड़ा स्टार होता है वो होता है आड़, जो बीनड़ी की आड़ आती है वो भी पडले में ही दिखाई जाती है और सबसे ज़्यादा आड़ को देखने के लिए ही भीड़ इकट्ठी होती है। कोई भी कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं लगाने वाली हूँ मैं। हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट, पल्ला कैसे सेट करते हैं? बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा है, इसके ऑलरेडी मेरा एक वीडियो बना हुआ है कि पल्ला कैसे सेट करते हैं वो देख लो। जिस तरफ ओढ़ने के जुम्हारे कम होते हैं उस तरफ से पट्टी लगा दीजिए और जिस तरफ की ओढ़ने में पूरे जुम्हारे लगे होते हैं उस साइड से पल्ला ले लीजिए। उस पर ऑलरेडी वीडियो है तो वो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इसलिए मैंने इसको इसमें शामिल किया है। एंड आई मेकअप के लिए मैं ये वाली पहले क्वेश्चन जो है, बाइसा का मतलब बहन होता है। एंड एक क्वेश्चन ऐसा भी है, बाइसा और बन्ना क्या होता है, बाइसा किसे कहते हैं? तो इससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो मैं बन्ना, बाइसा का मतलब बहन होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। राजपूत कल्चर में हम किसी दूसरी फीमेल लेडी को रिस्पेक्ट देने के लिए बाइसा बोलते हैं उनके नाम के आगे। इसी कल्चर में आप लोगों को पता होगा कि बोलने में रिस्पेक्ट बहुत दी जाती है, हमारी आधी से ज़्यादा लैंग्वेज आप, बन्ना, बाइसा इन्हीं में जाती है शब्द है। सो जो बाइसा शब्द है वो बेसिकली रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ में लिया जाता है, इसका मतलब बहन तो नहीं होता है। ज़्यादा लाइट है वो मैंने ट्रांजेक्शन सेट की तरह लगाया है, उसके बाद इससे मैंने और ज़्यादा डार्क किया है सो दैट हल्की फुल्की क्रीज आ जाए। एंड मिडल में ये जो हल्का सा ब्रोंज कलर आपको दिख रहा है ये वाला,
ये वाला मैं फिंगर की हेल्प से मीडल में लगा लूंगी सो दैट एक अच्छा सा लुक आ जाए। साथ ही में नेक्स्ट क्वेश्चन भी ले लेते हैं, राजपूती भाषा अलग है क्या? जी नहीं, राजपूती भाषा बिल्कुल अलग नहीं है। राजस्थान में जो भाषा होती है वही वैसी ही भाषा है, बट ज़्यादा रेस्पेक्ट के साथ बात करते हैं। कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ राजपूती कल्चर में ही यूज में लिए जाते हैं, तो उस वे में आप बोल सकते हो कि लिटिल बिट राजपूती भाषा अलग है। बाकी राजपूती भाषा तो वैसे जो राजस्थान में बोलते हैं वही हमारे यहाँ बोलते हैं, बट हमारे यहाँ सा का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। हल्का सा डिफरेंस है, जो भी हमारी पीढ़ियाँ थी वो ज़्यादा रिस्पेक्ट से बात करते थे एंड उन्हीं की लैंग्वेज हम यूज करते हैं, सो उतना ही डिफरेंस है। आई मेकअप डन एंड इसके साथ ही मैं आईलाइनर में लगा लेती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, वो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है कि राजपूतों में कंवर क्यों लगाते हैं? फीमेल लेडीज़ का जो नाम होता है उसके पीछे हम क्या लगाते हैं? कंवर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है एंड इसका आंसर लेने में भी मुझे बहुत जोर आया है। सो बेसिकली आप लोगों ने नाम के पीछे सिंह वर्ड तो सुना होगा ना, राजपूतों में जो मेल्स रहते हैं उनके नाम के पीछे सिंह लगता है, वैसे फीमेल के पीछे कंवर लगता है। सिंह का मतलब होता है शेर, सो उनकी जो तुलना है वो शेर से की गई है, सो इसीलिए उनके नाम के आगे सिंह लगता है। एंड जो कंवर होता है शेरनी एंड प्रिंसेस, कई जगह इसका मतलब राजकुमारी ऐसे भी होता है, सो इसीलिए कंवर वर्ड का यूज़ किया गया है। कंवर लगाते हैं ये तो पता है, बट क्यों लगाते हैं, इसके पीछे की कोई और कहानी है तो ज़रूर बताइएगा। जितना मैंने पता किया मुझे यही पता चला कि कोर शब्द है उसका मतलब राजकुमारी होता है, उसका मतलब शेरनी भी होता है, सो मेल एंड फीमेल दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। सिंह का मतलब शेर, कंवर का मतलब शेरनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा फनी है कि राजपूतों में सगाई नहीं होती क्या? क्यों नहीं होती है? राजपूतों में सगाई होती है, जो टीका होता है ना, टीका लेना या टीका देना, उस रस्म को सगाई ही होती है। उसके लिए क्या होने लगा है, प्रॉपर सगाई का फंक्शन रखते हैं एंड अंगूठी वगैरह भी पहनाते हैं, बट पहले नहीं पहनाते थे तो वो टीका उसका नाम देते थे। लड़के को अंगूठी, लड़की के पापा, बड़े भाई, बाबूसा, ऐसा कोई लड़के को अंगूठी पहना देता था, टीका देना कहते थे, सो उसी रस्म को कहते हैं सगाई होती है राजपूत। क्वेश्चन है आड़ क्या होती है? वैसे तो ऑलरेडी मैं आड़ का आंसर दे चुकी हूँ कि ये लड़के वाले के यहाँ से आती है, लड़की के यहाँ पे शादी के टाइम पे, और एक तरह की जिम्मेदारी होती है। इसका ऑलरेडी मैं एक बड़ा वीडियो भी बना चुकी हूँ। कई परिवारों में जो आड़ होती है ना वो दो दो तीन तीन पीढ़ियों से सेम चली आ रही होती है, जैसे जो आड़ दादी सास की दादी सास ने पहनी वो आज की बहू पहन रही है, तो कई पीढ़ियों से संभाल कर रखी जाती है एंड बहुत ही भारी भरकम होती है। इस पर एक सेपरेट मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हो। ज़्यादा रिस्पेक्ट वाला गहना होता है और बहुत ही ज़रूरी वाला गहना होता है। हल्का समझ कर लूँगी इससे, इस आई सेडो से। नेक्स्ट मैं शुगर का ये वाला ब्लश यूज़ करने वाली हूँ। और जो क्वेश्चन है, राजपूतों में घूंघट क्यों ज़रूरी है? ये बहुत ही भारी भरकम सा क्वेश्चन है एंड कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, सो अपने वीडियो में कोई कॉन्ट्रोवर्सी मत रखना भाई। मैं जस्ट एक वीडियो बना रही हूँ सो दैट बहुत सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जितनी मुझे पता है उतनी। सो घूंघट क्यों ज़रूरी है? घूंघट बेसिकली राजपूतों में रेस्पेक्ट देने के लिए लेडीज़ करती है, ना कि घूंघट एक कैद है, ये जस्ट एक रेस्पेक्ट देने का तरीका है। आजकल बहुत सारे फैमिलीज़ में घूंघट हट भी गया है अपने से बड़ों के रेस्पेक्ट देने के लिए, और बड़ों में मेल और फीमेल दोनों आ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आदमियों से घूंघट रखा जाता है, एक्चुअल में घूंघट लेडीज़ से भी रखा जाता है, अपनी सास से, अपनी जेठानी से, अपनी बड़ी सास से। तो आप सोचो उनसे तो कोई कैद या जेल वाला सीन नहीं है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि जस्ट जेंट से ही रखना है या फिर दबा के रखना है, ये एक रेस्पेक्ट देने का तरीका है। और रेस्पेक्ट कैसे भी दे सकते हो, आजकल टाइम बदल रहा है तो बहुत सारे लोग इस चीज़ में चेंज भी कर रहे हैं। क्वेश्चन है, जीजा राजपूती ड्रेस पहनना ज़रूरी है क्या? ये क्वेश्चन जो मेरे पुराने वीडियोज़ है ना जिसमें सिर्फ राजपूती ड्रेस पहनती थी उसमें बहुत ज़्यादा आते थे। राजपूती ड्रेस पहनना ज़रूरी है क्या? हाँ जी ज़रूरी है एक तरह से, और एक तरह से नहीं भी है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर किस वे में लेते हो। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि राजपूती ड्रेस हमारा कल्चर है, अगर हम ही लोग राजपूती ड्रेस नहीं पहनेंगे तो हमारी आगे आने वाली पीढ़ी तक कैसे पहुँचेगा हमारा कल्चर, पहली बात। दूसरी बात ये कि मतलब क्वेश्चन ही नहीं उठता कि पहनना ज़रूरी है कि नहीं है, जब से बड़े हुए हैं मम्मी को सबको यही ड्रेस यही कपड़े चारों तरफ पहनते हुए देखा है। हाँ लोगों के लिए ये नई चीज़ हो सकती है क्योंकि पूरे इंडिया में, राजस्थान में राजपूती कल्चर ज़्यादा है बाकी जगहों के बजाय,
सो उनके लिए ये चीज़ अलग हो सकती है। तो ड्रेस पहने हुए देखा है मेरी मम्मी दादी सा नानी सा सबको, तो इतनी बड़ी बात नहीं लगती है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगता है। एंड नहीं पहनो तो बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। अब अगर मैं ससुराल में जाऊँ और बिना राजपूती ड्रेस के, मैं खुद कुछ और नहीं पहन सकती, मैं खुद को अलाउ नहीं कर सकती, मतलब एक ऐसी ही परवरिश हो जाती है, हमें अच्छा लगता है। जस्ट बाहर गेट से जो रोशनी आ रही थी उसी से मैंने ये वाला मेकअप लुक किया है, एंड धीरे धीरे वो रोशनी जा रही है, तो मैं फटाफट इसको फिनिश कर लेती हूँ लास्ट ये वाली लिपस्टिक लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ले लेती हूँ राजपूती ड्रेस से रिलेटेड, प्योर के कपड़े में कड़प कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि प्योर के कपड़े में कड़प नहीं लगती है, प्योर के कपड़े को आप घर पर कड़प नहीं कर सकते हो। हाँ, उसके उसको धोने का कुछ अलग तरीका होता है जो मैं किसी और वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा, क्योंकि इस तरह मैं बता नहीं सकती हूँ। सो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा मेकअप डन हो गया, लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लग रही है बट स्टिल काम चल जाएगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। सो यहाँ पे मैं अपने रखड़ी से स्कूल में बांध लेती हूँ, चूड़ा मैं पहन लेती हूँ। चूड़े से रिलेटेड एक और कमेंट था कि राजपूती चूड़ा कैसे पहनते हैं, तो उस पर ऑलरेडी एक वीडियो है और मैं अलग से आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। सो कैसा लग रहा है मेरा मेकअप कमेंट में ज़रूर बताना। यह है रखड़ी सिसपुल पहनने के बाद का लुक। सो आप लोगों को कैसा लगा ये मेकअप लुक मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा बहुत भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है और कमेंट जरूर कीजिएगा। कुछ और क्वेश्चन पूछने हैं आपको तो भी वो कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट Q&A वीडियो भी अगर आप लोगों को चाहिए ऐसे तो ज़रूर बताइएगा। पहली बार मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया है, आई रियली होप कि आप लोगों को पसंद आ जाए। और कोई क्वेश्चन का आंसर मैं अच्छे तरीके से नहीं कर पाई हूँ तो प्लीज़ आप ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो मिलती हूँ नए वीडियो में, तब तक के लिए खमा निसा, बाय बाय, लाइक कीजिएगा।